अमेजॉन मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट न्यूज़ और अमेजॉन FBA न्यूज़। तो फ्रेंड्स, ये दो न्यूज़ हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आइए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स, वेलकम है वापस आपका टेक इंडिया A1 चैनल पे, जहाँ पे हम अमेज़ॉन के लिए सेलर सेंट्रल न्यूज़, अपडेट्स, पॉलिसी चेंजेस, डेमोज और ट्यूटोरियल्स लेके आते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑलवेज ऑन कनेबल कर दीजिए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो इस चैनल से अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के लिए मिस ना कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है जो अमेज़ॉन की तरफ से। आइए, आपके स्क्रीन के सामने न्यूज़ लिखा हुआ है, मैं आपको उसको एनोटेट करके बता देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट ऑन डिमांड नाउ रिक्वेस्ट रिपोर्ट फॉर एनी ड्यूरेशन विद इन लास्ट 45 डेज। तो इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट पहले 30 डेज तक या एक महीने तक ही होती थी। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, अमेज़ॉन हैज इंक्रीज द ड्यूरेशन फॉर विच यू कैन डाउनलोड द MTR ऑन डिमांड रिपोर्ट फ्रॉम सेलर सेंट्रल। प्रीवियसली यू हैड एन ऑप्शन टू जनरेट द ऑन डिमांड मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट फॉर अ चोजन पीरियड ऑफ टाइम, बट ओनली लिमिटेड टू द ऑन गोइंग मंथ। विद दिस चेंज यू कैन डाउनलोड डेटा फॉर अ चोजन पीरियड ऑफ टाइम इन द लास्ट 45 डेज, और नीचे लिंक दिया है। तो पहले आप ये मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट उसी महीने का ही डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन अभी आप कोई महीने के किसी भी फर्स्ट डेट, फर्स्ट तारीख भी हो तो भी आप पिछले 45 डेज का, मतलब एक महीना और उसके पिछले महीने के लास्ट 15 दिन का भी आपको मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट मिल सकता है, डाउनलोड कर सकते हो, जिसके कारण आपको अपने टैक्सिंग या चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ जो GST फाइलिंग है या जो टैक्स फाइलिंग है अमेज़ॉन के सेल की, उसका आपको रिपोर्ट सुविधा से मिल सकती है। और नीचे उन्होंने लिंक भी दिया है, आप उसी लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपके अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के उस मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट की डाउनलोड लिंक भी आपके सामने आ जाएगी, आप उसी टाइम पे लिंक डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये थी पहली न्यूज़ अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल की तरफ से। अभी बैक आ जाते हैं और चलते हैं दूसरे न्यूज़ पे। तो दूसरी न्यूज़ है अमेज़ॉन FBA के बारे में। तो इसमें उन्होंने लिखा है, नाउ चेक वेयरहाउस डैमेज रीइंबर्समेंट स्टेटस ऑन सेलर सेंट्रल। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव लॉन्च्ड अ टूल ऑन सेलर सेंट्रल दैट विल हेल्प यू चेक द स्टेटस ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ एनी यूनिट विच मे हैव बीन डैमेज्ड इन अ फुलफिलमेंट सेंटर। यू कैन इन्वोक दिस टूल बाय क्लिकिंग ऑन हेल्प एंड सिलेक्टिंग चेक वेयरहाउस डैमेज रीइंबर्समेंट स्टेटस। ऑल्टरनेटिवली यू कैन सर्च फॉर फुलफिलमेंट सेटल सेंटर डैमेज्ड इन द सर्च बटन एंड इन्वोक दिस टूल। फॉर चेकिंग द स्टेटस प्रोवाइड ट्रांजेक्शन ID ऑफ द फुलफिलमेंट सेंटर डैमेज यूनिट एज एन इनपुट टू द टूल। फॉर मोर डिटेल्स ऑन आवर फुलफिलमेंट सेंटर डैमेज रीइंबर्समेंट पॉलिसी क्लिक हियर, लिंक दिया है। और लास्ट में उन्होंने उनका ईमेल एड्रेस भी दिया है कि इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चंस या डाउट्स पूछने के लिए। तो उनका कहने का मतलब है कि जो अमेज़ॉन के जो फुलफिलमेंट सेंटर या उनके गोडाउन में अगर माल कोई डैमेज हो जाता है तो उसका स्टेटस, उसका रीइंबर्समेंट या उसका रिफंड स्टेटस आपको इस टूल से मिल सकता है, जो कि पहले इतना ईजिली अवेलेबल नहीं था। तो आप ये जो लिंक्स दिए इस हेल्प के सेक्शन पर, इसको आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको आपके अमेज़ॉन FBA में जो डैमेज रिटर्न होके डैमेज हुआ है उसका स्टेटस, उसका रिफंड का स्टेटस आपको मिल जाएगा कि आपका कितना पैसा आपके अकाउंट में वो लोग उस डैमेज के लिए क्रेडिट करेंगे। फ्रेंड्स, ये थी दो न्यूज़ अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल की, होपफुली आपके काम आएगी। अगर पसंद लगा, कुछ सीखने को मिला तो नीचे लाइक दबा देना, अपने दोस्तों के साथ जो अमेज़ॉन पे सेलर करते हैं उनको भी शेयर कर देना, ताकि वो भी आपके शेयर से खुश हो जाए, उनको भी कुछ सीखने को मिल जाए। और भूलना नहीं
कि नीचे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना ताकि न्यू अपडेट्स और पॉलिसीज आप अमेज़न सेलर सेंट्रल की मिस ना कर सके। थैंक्स अ लॉट वीडियो देखने के लिए।